आदर्शनगर थाना अंतर्गत नारीवाला कुआं इलाके में परिवार वालों की मौजूदगी में शातिर चोर 3 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित 2000 की नकदी चुरा कर फरार हो गए। मकान मालिक महावीर सिंह ने बताया कि बीती रात पूरा परिवार अपने अपने कमरों में सो रहा था, इसी बीच शातिर चोर ने खिड़की की जाली तोड़ी और अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण चुरा कर भाग गए। पीड़ित परिवार ने चोरी की शिकायत आदर्शनगर थाने में दर्ज कराई। रात को आया था, मैं शाम को 7:30 बजे आया था, यहीं पे बाहर बैठ के मम्मी के साथ में खाना खाया था। खाना खा के बाद में अंदर गया था, अंदर कपड़े वपड़े खोल के फिर बाद में मैं बाहर आके सो गया। बाहर आने के बाद फिर करीबन 11 बजे तो मैं सोया, मैं बड़ा वाला मेरा भाई आया 12 बजे, वो भी सो गया करीबन अपने 1-1.5 बजे के लगभग। ये खटपट खटपट हुआ भी है तो ये मेरी मम्मी ने उठा, मैं तो मम्मी सुन के फिर थोड़े देर बैठ रह के फिर बाद में वापस हो गई थी। फिर बाद में वो जाली तोड़ के फिर अंदर आया, अंदर से अंदर अलमारी खोली थी, अलमारी से जेवर पड़े थे, वो जेवर सारे निकाल के जेवर में क्या क्या था आपके? जेवर में एक तो रकड़ी थी, एक वो हीना नहीं थी, नथ थी, वो सहारा था, और दो कनकती थी, एक पाइजब थी, टोकिस की जोड़ी थी, वो सारे 2000 नगद तक पड़े थे, वो निकाल के ले गए। सोने के क्या क्या आइटम थे आपके? सोने के एक तो रकड़ी थी, एक हीना नथ थी और एक हार था। लगभग कितने का माल गया? तो लगभग 3 लाख का गया था। चांदी कितनी थी? चांदी 1.25 किलो। लगभग 3 लाख का माल? हाँ, 3 लाख का माल पार हुआ। मामला दर्ज करा था? मामला दर्ज थाने में? आदेशनगर थाने में दर्ज करा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।